नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइज़र, आपका इंस्ट्रूमेंट वेबकास्ट सेशन में स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबकास्ट सेशन में हम बात करेंगे उन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जो कि हम निरंतर समय समय पे अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए करते रहते हैं। तो मार्केट से आई फीडबैक को ध्यान में रखते हुए जो एक सुधार हमने हमारे प्रोडक्ट में किया है वो है जनरेटर कंपैटिबल। इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने पर हमने पाया कि यह प्रॉब्लम टेस्टिंग सेटअप से जुड़ी हुई है। अगर इनपुट वायरिंग या इनपुट कंडीशन में कोई भी इनकरेक्शन होता है तो सिस्टम इनकरेक्ट रीडिंग दिखाएगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लोग इनपुट सोर्स के लिए पट्टा जनरेटर का यूज़ करते हैं जिसकी वेवफॉर्म और फ्रीक्वेंसी अबनॉर्मल बिहेव करती है। हम आपको बता दें कि हमारा इस्टमैन का होमिपस इस तरह के सोर्स के लिए भी आइडियल है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि होमिपिस के साथ यूज़ होने वाली इनपुट और आउटपुट वायर की रेटिंग होमिपिस की रेटिंग के अनुसार हो। उसके बाद ध्यान रखें कि कोई भी कनेक्शन मुड़ा हुआ ना हो और लूज़ ना हो। उसके बाद ध्यान रखें कि कुंडा कनेक्शन और डबल फेज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला ध्यान रखें कि होमिपिस के साथ डबल फेज स्टेबलाइजर ना कनेक्ट करें। अगला आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप होमिपिस के साथ जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंटली एग्जामिन करते रहें। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। इस इस्टमैन वेबकास्ट सेशन में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस्टमैन।